वेलकम बैक टू द कॉलेज रिव्यू वीडियो। 2023 में आपको काफ़ी सारे कॉलेज के रिव्यू मिलने वाले हैं मीडिया मेंटर चैनल पे। सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो प्लीज़ कर लो, बिकॉज बहुत से लोग वीडियोज़ देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लगे तो। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट KC कॉलेज BMM एंड FTNMP ओवरऑल मीडिया डिपार्टमेंट, बिकॉज पिछले साल तक जो KC कॉलेज का रिव्यू था यार, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है KC कॉलेज के मास मीडिया डिपार्टमेंट में, बिकॉज उनका मैनेजमेंट, उनका जो कैंपस है सब कुछ चेंज हो गया, उनकी फैकल्टीज चेंज हो गई है। तो रिव्यू जो थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ चेंज हो गया है। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड गाइज। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बच्चों से पूछ के जेन्युइन रिव्यू बनाया है आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन टेक अ राइट डिसीजन ऑफ टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज और नो। हाई गाइज, इस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर। इफ यू हियर ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर आप रिपीटेड व्यूअर हो और सिर्फ इस वीडियो के लिए आए हो तो भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन। आप तो मेरा रिव्यू पैटर्न जानते ही हो कि लोकेशन के बारे में अगर बात करें, KC कॉलेज का मेन कैंपस जो है अब मास मीडिया के लिए चेंज हो गया है, बिकॉज मास मीडिया डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया गया है कोलाबा कॉजवे में, जो कि एक बिल्डिंग है। तो कैंपस के नाम पे स्कैम है ये कॉलेज, बिकॉज देर इज़ नो कैंपस, इज जस्ट अ बिल्डिंग। उसके फर्स्ट फ्लोर पे थोड़े मोड़े क्लासरूम और स्टूडियो बना दिए गए हैं, जो कि बच्चों का कहना है कि मैम वी हैव 120 स्टूडेंट्स और क्लास कैपेसिटी 60 लोगों की है और सबको एक साथ बिठाया जाता है, which is unfair. So yes guys, campus zero I would give. Location तो अच्छी है, but that's really sad that college को campus नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द क्राउड। क्राउड बच्चों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज ऑब्वियसली हाई कट ऑफ था एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र से हैं इस कॉलेज में। सो ओवरऑल क्राउड काफ़ी अच्छा है, बट बच्चों का ये कहना है कि मैम प्रॉब्लम है विद द फैकल्टी। सो नेक्स्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कॉलेज के लिए कि उनकी क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज, जो कि पहले काफ़ी अच्छी थी। मंजुला मैम वॉज देयर हु वॉज रनिंग द होल मास मीडिया डिपार्टमेंट अमेजिंगली, बट नाउ शी इज़ नॉट देयर। राइट नाउ द प्रॉब्लम इज द फैकल्टीज आर 80% विजिटिंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू बॉन्ड विद देम नाइसली, एंड सेकेंडली इनएक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो कि खुद ही उनके एक्स स्टूडेंट्स हैं जो आके पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों का ये भी बोलना है कि मैम उन्हीं को खुद को कुछ नहीं आता। सो फैकल्टी आई वुड से दे कैन इम्प्रूव अ लॉट, दे कैन गेट गुड फैकल्टी, बिकॉज KC वॉज अ ब्रांड, बट ये साल से थोड़ा सा वो डायल्यूट हो गया है। एट द सेम टाइम TY के स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उनके जो करंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो डिसेंट है, वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं सुनते हैं, बट द मैनेजमेंट इज नॉट हेल्पफुल। सो अगर हम फैकल्टी और मैनेजमेंट की बात करें, दे नीड टू गियर अप दिस ईयर। ओवरऑल फैकल्टी और मैनेजमेंट की हम बात करें तो दोनों ही को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है दिस ईयर। सो आई वुड नॉट लाइक पर्सनली रेकमेंड दिस कॉलेज इन top 5 फॉर मास मीडिया दिस ईयर। सिलेबस एंड फैसिलिटीज। सिलेबस जैसे कि HSNC यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना एक करिकुलम अलग से डिज़ाइन किया हुआ है, तो बोला जा रहा है बच्चों के हिसाब से कि काफ़ी ज़्यादा वेग सिलेबस है एंड जैसे कि फैकल्टीज उन्हें नहीं पढ़ा पा रही हैं तो दे आर नॉट लाइकिंग द होल करिकुलम एज ऑफ नाउ। FYs आर डिसअपॉइंटेड, SYs आर सेइंग इट्स डिसेंट, TYs आर लाइक कि मैम हमारा तो अच्छा रहा था सो फार तक। अलग अलग ईयर के स्टूडेंट्स का अलग अलग कहना है इस चीज़ पर। तो सिलेबस आई वुड से इज़ अगेन एवरेज, बिकॉज ऑफ HSNC यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी का ये फॉलो नहीं करते हैं सिलेबस। इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, एज आई टोल्ड यू द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो स्टूडेंट्स आर रियली डिसअपॉइंटेड बींग स्क्वीज इन टू द क्लासरूम विच इज स्मॉलर दैन द कैपेसिटी दैट दे आर स्क्वीज इन। सो दे रियली डोंट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, देर इज नो प्रैक्टिकल टेकिंग प्लेस राइट नाउ। सो FTNMP स्टूडेंट्स के लिए भी क्वाइट डिफिकल्ट है अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कैमराज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई गई तो। हो सकता है उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, बट स्टिल दैट गोना बी अ क्वेश्चन मार्क। सो दिस ईयर for FTNMP also I would recommend you guys other colleges which have got infrastructure and facilities. नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अक्सर पूछे मैम कैंटीन कैसा है। तो कैंटीन में खाना अच्छा मिलता है बट अगेन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगेन कंप्लेन इज देयर कि मैम बाहर जाके खा लेना बेटर है क्योंकि जगह नहीं मिलती। हॉस्टल फैसिलिटीज़ कॉलेज के पास नहीं है, तो आपको PG या दूसरे प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना होगा अगर आप KC में एडमिशन लेने के लिए डिसाइड करते हो तो। अबाउट द
स्ट्रिक्टनेस, नाउ अटेंडेंस 75% कंपलसरी बोला है उन्होंने, बट स्टूडेंट्स है कि ठीक है, मतलब चल जाएगा अगर 60 अबव मेंटेन किया तो. अबाउट द ड्रेस कोड, देयर इज नो ड्रेस कोड एज सच फॉर द स्टूडेंट्स. इन अ वे दे आर स्ट्रिक्ट विद अटेंडेंस, बट ड्रेस कोड एंड ऑल में दे आर फाइन. Let's move on to internship and placement. Guys, students are saying कि this time internships भी कोई खास नहीं provide की गई है by the faculty or the college. So internship भी आप ज़्यादा hopeful नहीं रह सकते college से, जो कि पिछले साल तक KC college काफ़ी अच्छी internship दे रहा था. Placement cell, उनके पास कोई भी placement cell नहीं है. As I said guys, कि अगर आप मेरा पिछला KC college का review देखोगे और compare करोगे to this video, you will be like कि ये तो पूरा upside down हो गया. Yes guys, even I am disappointed and I really want to say sorry to the students who are telling me कि मैम आपने टॉप 5 में बोला था एंड यू गेव सच अ ब्रिलियंट रिव्यू, दैट्स वाई वी आर इन दिस कॉलेज. नॉट अनहैप्पी, बट यू नो द वे द होल मैनेजमेंट हैज चेंज एंड नो क्लासरूम्स, नो गुड फैकल्टीज इज अ डिसअपॉइंटमेंट. लेट मी टेल यू गाइज, अगर मैनेजमेंट, फैकल्टीज, ये सारी चीजें चेंज होती है तो बहुत बदलाव आता है कॉलेज में. दैट्स वाई एम ट्राइंग कि हर साल में अपडेटेड रिव्यूज बनाऊं सो दैट बच्चे कोई गलत डिसीजन ना ले. एंड दीज रिव्यूज आर कंप्लीटली अनपेड रिव्यूज गाइज, कंप्लीटली स्टूडेंट सर्वे से बनाए गए रिव्यूज हैं. Now talking about the fees is 35,000 to 40,000 per year, जो कि आपका 1-1.5 lakh में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, लाइक 3 साल का. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट BMM. एंड वेन यू टॉक अबाउट FTNMP, अप्रॉक्सीमेट सेम फीस है बट 1.5 से 1.8 तक जा सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक 50,000 to 60,000 पर ईयर का यू नो फीस है फॉर FTNMP, विच इज मच हायर देन BMM बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल कोर्स एंड द इक्विपमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द रिव्यू, तो क्या करे, इस कॉलेज में एडमिशन ले या ना ले, तो आई वुड से गाइज ये कम्प्लीटली आपका चॉइस होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स के जो है मिक्स्ड रिव्यू आया हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्या वो ये कॉलेज को रेकमेंड करेंगे. काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड तो वो दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि नहीं ठीक है, मतलब यू नो इट इज़ फाइन. सो आई एम होपिंग कि KC कॉलेज नेक्स्ट ईयर का अगर मैं रिव्यू बनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ होगा, बट दिस ईयर दिस इज द रियल सिनेरियो. यस इंडीड, ये रिव्यू देखने के बाद मैनेजमेंट विल गियर अप एंड दे विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स आर डिसअपॉइंटेड विद द होल डिपार्टमेंट ऑफ मास मीडिया and they really need to work on it. So if you ask me, this year KC college is not on the top 5 of course, and out of 5 only 2 stars, because they need to improve a lot on all of these factors, be it management, faculties, their facilities, because media students are quite hopeful, they come to college to learn a lot of things, to get that exposure, but if they are not getting basic thing, which is the campus and the facilities and a good faculty, then that college is not worth to be in top 5 or top 10. Especially when students are coming from outside Mumbai, spending so much on their stay, on their food and everything, they need better quality college and better facilities. I hope guys the video was helpful. Do let me know in the comment box ki aapko kaisa laga hai review. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such amazing reviews on Media Vented. Don't forget to like, share and subscribe.